उधर सफदरजंग अस्पताल में आग लगी है, ओल्ड इमरजेंसी बिल्डिंग में ही आग लगी है, बिल्डिंग के स्टोर वाले हिस्से में आग लगी है। बता दें कि आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। बिल्डिंग के स्टोर वाले हिस्से में आग लगी, आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आग पर काबू पाने का काम लगातार जारी है। वारदात 1 घंटे अप्रॉक्स 10-10:30 की है और मौके पे 3-4 गाड़ियां पहुंच गई, तुरंत ही आ गई थी। बगल में पुलिस चौकी भी है तो पुलिस वालों ने भी, दिल्ली पुलिस ने भी काफ़ी एक्टिवली उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, फायर टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके और स्थिति को अपने नियंत्रण में ले रखा है और अभी स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। 1-2 स्टाफ हमारे नर्सिंग स्टाफ ऊपर फंसे हुए तो उनको निकाला जा चुका है अभी तक। नहीं, शीशा तोड़ने का तो रीज़न ये होता है कि आपके पास मल्टीपल एंट्रेंस मल्टीपल एसेस हो और जो भी अगर स्मोक या जो भी अंदर है वो चीज़ें बाहर इजीली आ सके। शीशा तोड़ने का रीज़न ये है, कोई ऐसा नहीं कि लोग अंदर फंसे हुए हैं। और थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ, नुकसान मेनली दवाइयों और जो कुछ स्टोर में था और ये जो आग बेसिकली एक शॉर्ट सर्किट की वजह से हो गई थी। ये पुरानी इमरजेंसी? हाँ, ये पुरानी इमरजेंसी है, पुरानी इमरजेंसी। हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए, सीधे उनका रुख करेंगे। शहनवाज, सफदरजंग हॉस्पिटल में आग लगी है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है, कितनी बुझाई जा चुकी है, कितनी राहत मिलती नजर आ रही है? सफदरजंग हॉस्पिटल में 10:42 पर आग लगे थे और शॉर्ट सर्किट से, और जिस तरीके से ये पहले पुराना इमरजेंसी होते थे मगर अब जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया, पुराना इमरजेंसी है। ऊपर जो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर टेस्ट होते हैं तो सारा टेस्ट हो रहा था, मरीज वहां पर 100-150 लोग थे टेस्ट के लिए, मगर जैसे ही हल्ला हुआ उसके बाद बगल में चौकी थे हेड कांस्टेबल राजेंद्र ने सबसे पहले 3 नर्स को निकाला क्योंकि वो जरा सा एजेड भी थी और बहुत मुश्किल था उसको उतरने के लिए, मगर हेड कांस्टेबल राजेंद्र ने वो तीनों नर्स को उतारा, उसका मरीजों को बाहर किया। मगर जिस तरीके से 10-11 फायर की गाड़ी आई, लाखों की नुकसान हो चुके हैं मगर कोई हाथाहाथ नहीं है। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस फायर की कर्मी के लोग और वहां के जो सफदरजंग हॉस्पिटल के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने काफी रिस्पॉन्स दिखाया और काफी रेस्क्यू करके सब मरीजों को बाहर किया गया और कोई हाथाहाथ नहीं है। जी बहुत शुक्रिया शाहनवाज, नजर आप बनाए रहे, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।